नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। यूपी निकाय चुनाव लखनऊ में मेयर पद के लिए बीजेपी का टिकट हॉट के कई महिला उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजधानी में महापौर पद के लिए बीजेपी में कई नामों की चर्चा जोरों पर चल रही है। राजधानी में मेयर पद के लिए भाजपा का टिकट होट केक है। इस बार कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पूर्व राज्यसभा सांसद कुसुम राय के अलावा डिप्टी सीएम की पत्नी नम्रता पाठक व पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्र वधू अलका दास के अलावा बीजेपी के महापौर के टिकट के लिए कई दावेदार ही बताई जा रही है। महानगर भाजपा में लगातार आवेदन आ रहे हैं, मगर राजनीतिक पेशबंदी तेज होती जा रही है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, चार जवानों की गई जान। QRT ने पूरे इलाके को घेरा। पंजाब के भटिंडा में बुधवार सुबह मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई। सुबह 4:30 बजे हुई गोलीबारी की इस घटना में चार जवानों की जान चली गई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्स टीम यानी कि QRT सक्रिय हो गई है। घेराबंदी कर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। QRT टीम ने तत्काल ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो अब भी जारी है। बताया गया कि हमलावर सिविल ड्रेस में था। इस हमले में जिन चार लोगों की मौत हुई है वे 80 स्टेडियम रेजिमेंट के हैं। फायरिंग की घटना ऑफिसर्स मेम्स में हुई। हालांकि पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है। भारत में एक दिन में करीब 8,000 नए केस कोरोना को लेकर बुरी खबर है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड मरीजों की पहचान हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को एक दिन के भीतर ही 7,830 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि 223 दिन में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की जो संख्या वो भी बढ़कर 40,000 के पार हो गई है। अब देश में 40,215 मरीज ऐसे हैं जो संक्रमित है। ये या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घर पर ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। तुम भाग सकते हो लेकिन कानून से छिप नहीं सकते, अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस का सख्त संदेश। 18 मार्च से फरार चल रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। उसके खास साथी पप्पलप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पुलिस ने अमृतपाल को सख्त शब्दों में संदेश दिया है कि तुम भाग सकते हो लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम बदला, अब रैपिड एक्स के नाम से पुकारा जाएगा। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम बदलकर रैपिड एक्स कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन वर्ड है और इसे पढ़ने और विभिन्न भाषाओं में उच्चारण करने में आसानी होगी। गति और प्रगति को दर्शाने के अलावा नाम में एक्स अगली पीढ़ी को दर्शाता है, प्रौद्योगिकी और नए युग को दर्शाता है। ये युवाओं, आशावाद और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें।